हेलो फ्रेंड्स, मैं समर और आप देख रहे हैं समर कंप्यूटर नॉलेज। दोस्तों, आज का टॉपिक है मैग्नेटिक टेप। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मैग्नेटिक टेप। द मैग्नेटिक टेप इज ए मीडियम फॉर मैग्नेटिक स्टोरेज, यानी मैग्नेटिक टेप एक मीडियम मैग्नेटिक स्टोरेज है। इन मैग्नेटिक टेप ओनली वन साइड ऑफ द रिबन इज यूज फॉर स्टोरिंग डाटा, यानी मैग्नेटिक टेप पर डाटा स्टोर करने के लिए रिबन की यूज की जाती है और रिबन में केवल एक साइड में ही डाटा स्टोर रहती है। इट इज सिक्वेंशियल मेमोरी व्हिच कंटेन्स थिन प्लास्टिक रिबन टू स्टोर डाटा एंड कोटेड बाय मैग्नेटिक ऑक्साइड, यानी एक सिक्वेंशियल मेमोरी है जो एक पतले प्लास्टिक रिबन पर डाटा को स्टोर करते हैं और ये मैग्नेटिक ऑक्साइड द्वारा कोटेड रहती है। तो ये था मैग्नेटिक टेप क्या है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इन्वेंटेड ऑफ मैग्नेटिक टेप। द मैग्नेटिक टेप वॉज इन्वेंटेड बाई फ्रिट्ज फ्लूमर इन 1928 इन जर्मनी, यानी मैग्नेटिक टेप को पहला फ्रिट्ज फ्लूमर ने 1928 पर जर्मनी पर इन्वेंट किया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ मैग्नेटिक टेप। पहला पॉइंट, ए टेप ड्राइव इज ए सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस, यानी मैग्नेटिक टेप एक सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस है। दूसरा पॉइंट, रीड ऑल ऑफ द डाटा फ्रॉम रिकॉर्ड सिक्वेंशियली टू गेट द डिजायर्ड वन, यानी डिजायर्ड प्राप्त करने के लिए सभी फ्रंट रिकॉर्ड को सिक्वेंशियली रूप से रीड करना पड़ता है। उसके बाद अगला पॉइंट, टेप इज इन मोशन ओनली ड्यूरिंग रीड और राइट ऑपरेशन, यानी टेप केवल रीड और राइट ऑपरेशन के समय ही मोशन होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इट इज द फर्स्ट काइंड ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, यानी एक पहली समय की सेकेंडरी मेमोरी है। उसके बाद अगला पॉइंट, यूजुअली यूज फॉर बैकअप डाटा फ्रॉम द सिस्टम, यानी मैग्नेटिक टेप को आमतौर पर सिस्टम पर डाटा बैकअप करने के लिए यूज की जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन मल्टीपल मशीन, यानी ये मल्टीपल मशीन में डाटा ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये था कुछ फीचर्स ऑफ मैग्नेटिक टेप। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक टेप। पहला पॉइंट, दिस आर इनएक्सपेंसिव, यानी मैग्नेटिक टेप सस्ते होते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट, इट प्रोवाइड्स बैकअप और आर्चिवल स्टोरेज, यानी मैग्नेटिक टेप बैकअप और आर्चिवल स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट, इट इज ए रीयूजेबल मेमोरी, यानी मैग्नेटिक टेप एक रीयूजेबल मेमोरी है, यानी इसको रीयूज किया जा सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इट इज इजीली पोर्टेबल, यानी मैग्नेटिक मेमोरी को आसानी से कहीं पर भी ले जा सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट, इट इज लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, यानी मैग्नेटिक टेप में ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी रहते हैं। तो ये था कुछ एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक टेप। उसके बाद अगले क्वेश्चन, डिसएडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक टेप। पहला पॉइंट, मैग्नेटिक टेप इज नॉट फ्लेक्सिबल, यानी मैग्नेटिक टेप फ्लेक्सिबल नहीं होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, स्लोअर एक्सेस टाइम, यानी मैग्नेटिक टेप में जो एक्सेस टाइम है वो स्लो है। उसके बाद अगला पॉइंट, इट स्टोर्ड डाटा कैन नॉट बी इजीली अपडेटेड और मॉडिफाइड, यानी मैग्नेटिक टेप में जब डाटा एक बार स्टोर की जाती है और उसे अपडेट या मॉडिफाई करना आसान नहीं होता है। उसके बाद अगला पॉइंट, द कॉस्ट ऑफ डाटा ट्रांसफर इज मॉडरेट इन मैग्नेटिक टेप, यानी मैग्नेटिक टेप में जो डाटा ट्रांसफर करने की कॉस्ट है वो मीडियम है। उसके बाद अगला पॉइंट, मैग्नेटिक टेप्स आर हाईली वल्नरेबल टू डैमेज फ्रॉम डस्ट और केयरलेस हैंडलिंग, यानी मैग्नेटिक टेप पर डस्ट या केयरलेस हैंडलिंग से डैमेज हो सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट, डाटा स्टोर्ड ऑन इट इज नॉट इन ह्यूमन रीडेबल फ्रॉम, देयरफॉर मैनुअल इनकोडिंग इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, यानी मैग्नेटिक टेप में जो डाटा स्टोर होती है वो इंसान द्वारा रीडेबल नहीं होता है, उसे मैनुअली एनकोडिंग करना इम्पॉसिबल है। तो ये था कुछ डिसएडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक टेप। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आप मैग्नेटिक मेमोरी क्या है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करना, और सेकेंडरी मेमोरी क्या है जानना चाहते हो तो एंड स्क्रीन पर राइट वाली वीडियो पर क्लिक करना, और ऐसे ही कंप्यूटर नॉलेज बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।